हाय, दिस इज एनएच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। आज हम रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का तीसरा चैप्टर ओल्ड इंग्लिश, उसकी सामली और पैराफ्रेजिंग हिंदी में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओल्ड इंग्लिश जो है यह तीसरा चैप्टर है, और ओल्ड इंग्लिश जिसे हाउ इंग्लिश बिगिन, जब हमने पहला चैप्टर देखा था तो उसमें मैंने काफ़ी हिस्ट्री बताई थी। आप वहां से भी अगर चाहें तो ओल्ड इंग्लिश के बारे में देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में जाकर इंग्लिश लिटरेचर में जाकर आप वहां से भी एंग्लो सैक्सन देख सकते हैं, एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश। ओके, जो सबसे इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में जो सबसे पहला जो पीरियड होता है उसे हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, और ओल्ड इंग्लिश को जो है हम कुछ नाम से जानते हैं, जिसमें हम इसे ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सैक्सन और एंग्लो केल्टिक जानते हैं। ओल्ड इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश यहाँ से शुरू हुई, पहले इंग्लिश थी, और ओल्ड इंग्लिश का डिवीजन जो है 449 एडी से 1066 एडी तक किया जाता है। और एंग्लो सैक्सन क्योंकि यहाँ पे जो जातियाँ हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो एंग्लो सैक्सन और जूट्स हैं, जिनके नाम से एंग्लो सैक्सन भी कहते हैं। और एंग्लो केल्टिक क्योंकि एंगल्स और केल्टिक जो हैं, केल्टिक लोग जो एंग्लो सैक्सन से पहले यहाँ पे रहते थे, जिन्होंने इंग्लैंड को बहुत पहले इन्वेट किया था, करीबन 700 ईसा पूर्व में इन्वेट किया था, ये गोरे लोग थे, तो ये केल्टिक लोग थे, तो इनके नाम से भी एंग्लो केल्टिक। लेकिन इनमें से दो नाम जो है, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन, यह नाम ज़्यादा प्रचलित है। और यह जो पीरियड 449 AD भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, और 1066 भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। 449 AD जो है ये एंग्लो सैक्सन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें जूट ने इंग्लैंड को इन्वेडेड किया था, और ये काफ़ी फियर्स लोग थे, और ये वॉर लाइक ट्राइब्स थे, ये लड़ाई में बहुत ही इन्वॉल्व रहते थे। ओके, और इन लोगों ने केल्टिक ब्रिटेन को, यानी केल्टिक लोग पहले रहते थे, तो केल्टिक ब्रिटेन को जर्मनिक इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड भी इन लोगों ने नाम दिया, और ये जर्मनी से आए हुए थे, इसलिए जर्मनिक इंग्लैंड में इन्होंने बदल दिया। लेकिन जब नॉर्मन कॉन्केस्ट हुआ, नॉर्मन कॉन्केस्ट यानी ये नॉर्मन जो है ये फ्रेंच के लोग थे, और फ्रेंच के ट्राइब्स ये आई और विलियम ड्यूक के अंदर आई, और ये नॉर्मेंडी से आई, और इन्होंने आक्रमण किया और 1066 में से जीत लिया, जिसकी वजह से काफ़ी फ्रेंच वर्ड्स जो है वह ओल्ड इंग्लिश में आए, और ओल्ड इंग्लिश की जो है वोकेबुलरी बढ़ती रही। और यह कहना काफ़ी डिफिकल्ट है कि केल्ट और ये जितने इन्वेडर्स थे उनके साथ उनका रिलेशन कैसा रहा, लेकिन जैसा भी हो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे, और इन्होंने हेप्टार्की कायम की। हेप्टार्की कहने का इंग्लैंड जो है 7 भागों में बटा हुआ था, और वहाँ पे सबके अपने अपने राजा और या अपने अपने सरदार होते थे, तो उसके साथ इन्होंने काफ़ी दिनों तक जो है इन्होंने शासन भी की। लेकिन बाद में जो सेक्शंस थे वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उनके पास काफ़ी अच्छी थी, जिसके वजह से उनके हाथ में बागडोर आ गई, और वहाँ से जो है उन लोगों ने जो है वो शासन शुरू किया। ओके, केल्टिक लैंग्वेज जो है यह जब सैक्सन जब राजा बने तो वो लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसकी वजह से केल्टिक लैंग्वेज के कुछ ही वर्ड्स जो हैं, ज़्यादा हैंडफुल वर्ड्स यानी मुट्ठी भर जो वर्ड्स हैं आज इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्लेस जगह के नाम है और कुछ रिवर्स के नाम है, जिसमें कुछ जगह के जो नाम हैं डोवर, कम्बरलैंड, केंट, और रिवर्स के जो नाम हैं जैसे एवन, टेम्स, ट्रेंट, डी और डरवेंट। तो केल्टिक वर्ड जो है कुछ फर्स्ट सिलेबल में भी दिखते हैं किसी जिले के नाम में, जो आज भी इस्तेमाल होता है इंग्लैंड के अंदर। फर्स्ट सिलेबल, सिलेबल का मतलब होता है जो एक बार में प्रोनाउंस किया जाए, जिसमें एक वॉवेल होता है उसे सिलेबल कहते हैं, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट के जो नाम है, जिसमें विंचेस्टर है, वर्सेस्टर है, लिचफील्ड है, सल्सबरी और एक्सीटर है, ये आज भी इस्तेमाल होते हैं। और कुछ केल्टिक वर्ड्स जो हैं यह अभी भी संरक्षित है मॉडर्न इंग्लिश में, जिनका रिलेशन या तो रिलीजन से या रिलीजियस एक्टिविटी से है। ओल्ड इंग्लिश के जो डायलेक्ट थे वो एक यूनिफॉर्म डायलेक्ट नहीं थे, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में तीन जातियाँ थी, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, और ये तीनों जातियाँ चार डायलेक्ट्स का इस्तेमाल करते थे, जिसमें केंट में जो डायलेक्ट इस्तेमाल होता था उसे केंटिश,
नॉर्थम्बरिया को नॉर्थम्बरियन, और मर्सिया में जो इस्तेमाल होता था उसे मर्सियन, और वेस्ट सैक्सन, ये चार डायलेक्ट थी। और ये इसीलिए कहा जाता है कि ओल्ड इंग्लिश जो है वो डायलेक्टिकल थी। और इनके जो स्पेलिंग है और इनके जो ग्रामर स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल आज से डिफरेंट थी, वो एक यूनिफॉर्म नहीं थे। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ओल्ड इंग्लिश के। ओल्ड इंग्लिश के किसी भी टेक्स्ट को आज पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट है और उसे समझना डिफिकल्ट है, क्योंकि यह पूरी तरह से एक एलियन की तरह, इनकी स्पेलिंग एलियन वो पकड़ में ही नहीं आएगा, और वोकेबुलरी जो है बिल्कुल अनफैमिलियर, जिसे हम नहीं जानते हैं, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल अलग थलग दिखेगा। और ओल्ड इंग्लिश इसी की वजह से आज जो हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश, उससे बिल्कुल पूरी तरह से वह डिफरेंट है। इनकी जो राइटिंग है, जब ये एंग्लो सैक्सन राइटिंग करते थे तो वो सेम वैसी राइटिंग करते थे जैसे नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट यूरोप में, जो आज डेनमार्क और सॉरी जो आज जर्मनी और स्कैंडिनेविया है। इनकी जो राइटिंग सिस्टम में जो यूज किया जाता था वो रूनिक अल्फाबेट और रूनिक कैरेक्टर जो होता है, जिसमें शार्प लाइंस होते हैं विदाउट एनी कर्व, और ये जो है ये आज भी मिले हैं, और इन्हें पाया गया है जो ये या तो नाइफ के हैंडल पे, स्वॉर्ड्स पे हैं, तलवार पे हैं, इसके अलावा कास्केट पे हैं। कास्केट कहते हैं सुंदर सा संदूक जो बोन यानी हड्डी के बने हुए थे, और उसके अंदर कुछ कीमती चीज जो है वो रखे जाते होंगे उसके लिए। और इनके जो मैसेज हैं ये पढ़ने काफी डिफिकल्ट थे, क्योंकि ये सिंबॉलिक होती थी। जब 6th सेंचुरी में यानी 597 में जब क्रिश्चियनिटी लिटरेसी के लिए यहाँ फैलना शुरू हुआ, तो काफी लैटिन रिलीजियस टेक्स्ट को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और ट्रांसलेट करने के बाद इसमें कुछ रोमन अल्फाबेट्स में कुछ बदलाव हुए, और उस अल्फाबेट से जो है वो लैटिन अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया, उसे उसमें मॉडिफिकेशन करके एंग्लो सैक्सन ओल्ड इंग्लिश में उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इसकी वजह से आज भी जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती है उस स्क्रिप्ट को हम लैटिन या रोमन इंग्लिश की स्क्रिप्ट है। और उसके बाद जब फ्रेंच आए तो कुछ जो लेटर्स हैं कैरेक्टर अल्फाबेट में उनसे भी इंट्रोड्यूस्ड हुए, जिसमें क्यू, डब्ल्यू और जे थे। जो फॉरेन इन्फ्लुएंस इंग्लिश में है वो काफ़ी है, क्योंकि बार बार एक जाति दूसरे जाति उनके लैंग्वेज वो तो चले जाते थे, या वो रहते भी थे तो उनके लैंग्वेज के जो छाप हैं वहाँ पे रहते थे। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो गेलिक और केल्टिक, ये दो लैंग्वेज, फिर उसके बाद रोमन आए तो लैटिन लैंग्वेज, फिर उसके बाद एंग्लो सैक्सन जूट्स है जिसमें चार डायलेक्ट्स हो गए, फिर स्कैंडिनेवियन आए, वहाँ से कुछ जर्मन इन्फ्लुएंस आए, डैनिश इन्फ्लुएंस आए, स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज आए, उसके बाद फ्रेंच से फिर आपके फ्रेंच जो वर्ड्स हैं, तो ये काफ़ी हमेशा जो है यह इंट्रूजन होता रहा। इसमें जो है जो ये वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल होते रहे, क्योंकि बार बार जो है दूसरे दूसरे ट्राइब्स, दूसरे दूसरे जो फॉरेन इन्वेडर्स जो है यहाँ पे आक्रमण करते रहते थे। इसकी वजह से यहाँ के वोकेबुलरी जो है काफ़ी बढ़ गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस हम देखते हैं वो लैटिन और स्कैंडिनेवियन का देखते हैं। लैटिन का इसलिए हम देखते हैं कि लैटिन जो है वो एंग्लो सैक्सन से पहले इस्तेमाल होती थी। एंग्लो सैक्सन के आने से पहले 43 AD में रोमन ने जो है इन्वेडेड किया इंग्लैंड को, और करीबन 350 साल से ऊपर रहे और 410 AD में गए। सबसे लंबा शासन किसी ने किया तो वो रोमन साम्राज्य के लोग ही थे। इसकी वजह से इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिलता है। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब क्रिश्चियनिटी फैलने लगी तो रोमन जितने भी स्क्रिप्चर थे रोमन में लिखे हुए थे, तो उनका ट्रांसलेट होना शुरू हुआ, और जब ट्रांसलेट शुरू हुआ तो जिसकी वजह से लैटिन काफ़ी वर्ड्स और फ्रेज जो है वो ओल्ड इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाने लगे। और रोम के जो लोग थे यानी रोमन जो एम्पायर थे वो हर जगह जो है अपना कब्जा करते थे और रोमेनाइज्ड करते थे, वहाँ पे रोमन इन्फ्लुएंस भी छोड़ देते थे। और इन लोगों को जिस जिस क्षेत्र में सुपरमेसी थी उसके वर्ड्स और ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसमें मिलिट्री, एग्रीकल्चर और ट्रेड, कॉमर्स, इनके भी कुछ वर्ड्स जो हैं वो लैटिन मूल के ही मिलते हैं हमें, जिसमें वॉल जो है वो वेलम से लैटिन वर्ड है, और टाइल्स जो है टेकुला से ये भी लैटिन वर्ड है, माइल जो है वो लैटिन वर्ड मिलिया पेसम से बना हुआ है। जब क्रिश्चियनिटी फैली तो वहाँ से भी जो है क्रिश्चियन मिशनरी ने ट्रांसलेशन जो शुरू किया वो लैटिन वर्ड से शुरू किया, जिसके
वजह से काफी जो है, और ये लैटिन टेक्स्ट जो है मोस्टली नॉर्थम्ब्रियन जो डायलेक्ट है उसमें ट्रांसलेट किए गए, ओके, जिसकी वजह से लैटिन वर्ड्स रिलीजन के अंदर भी काफी आ गया, जिसमें हेवन, हेल, गॉड, गॉस्पेल, ईस्टर, इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें और कुछ लर्निंग को लेकर भी हैं, जिसमें स्कूल, वर्स, एंकर, ककम्बर, ग्रामेटिकल, ये सारे वर्ड इस्तेमाल होते हैं। अब स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस को हम ओल्ड इंग्लिश पे देखते हैं, ये जो है दूसरा लिंग्विस्टिक इन्वेजन यानी आक्रमण था। स्कैंडिनेवियन जो लोग थे उन्हें वाइकिंग भी कहा जाता है, इन्हें नॉर्स भी, नॉर्स मेन भी कहते हैं, ओके, ये जो लोग हैं ये नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से आए थे, इन्हें डेनिस भी कहा जाता है, जो 5th सेंचुरी में ये भी जर्मनिक इनहेबिटेंट्स थे और ये पड़ोसी थे एंग्लो सैक्सन के, और उनसे उनका ब्लड का भी रिश्ता था और एज वेल एज इनका लैंग्वेज, भाषा का भी रिश्ता था। ये सी फेयरिंग पीपल थे जिन्हें वाइकिंग भी कहते हैं। विक का अर्थ ही होता है समंदर से निकला हुआ या जिसका समंदर से ज्यादा नाता हो, तो सी फेयरिंग यानी समंदर में जिनका व्यापार चलता हो या समंदर से नाता हो, ये जो लोग रहे वो 8th सेंचुरी के मिडिल से 11th सेंचुरी तक रहे। यहाँ 8th सेंचुरी अगर कहा जाए तो इसका मतलब 700 ईस्वी से जो शुरू होता है, 8th सेंचुरी कहा जाए, 7th सेंचुरी कहा जाए तो ये जो है आपका 600 से शुरू होगा, 8th सेंचुरी 700 से शुरू होगा, 9th सेंचुरी 800 से शुरू होगा, 11th सेंचुरी 1000 से शुरू होगा, ओके। तो स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस जो है भी इस पे काफी आई, जिसमें कुछ वर्ड्स जो है वो आज भी इस्तेमाल होते हैं, जिसमें बर्थ, बैंक, बुल, कॉल, क्लिप, डाई, ड्रैग, एग, ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स जो फैमिली नेम में है, प्लेस नेम में है, यह भी इस्तेमाल होते हैं। स्कैंडिनेवियन वर्ड्स जो थे वो सिर्फ नाउन और वर्ब और एडजेक्टिव तक ही नहीं थे, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, इसके अलावा प्रोनाउन और एडवर्ब भी जो है काफी बोरो किए गए हैं। कुछ वर्ड्स ओल्ड इंग्लिश जैसे प्रोनाउन, जैसे HIE, HIER, हिम, इनको भी रिप्लेस डैनिश वर्ड से किया गया, जो दे, देयर और देम थे। बोथ, सेम, अलॉफ्ट, सिमली, टू, टिल, फ्रो, ये भी स्कैंडिनेवियन ओरिजिन के भी ही वर्ड्स थे, ओके। इसके अलावा सबसे रिमार्केबल जो बोरोइंग था वो आर था, जो प्लुरल फॉर्म वर्ब टू बी का, वर्ब टू बी इज आर एम वॉज वर्ब को कहते हैं, ओके। इन लोगों ये स्कैंडिनेवियन जो इन्फ्लुएंस है ये सिर्फ वर्ड्स पे नहीं एज वेल एज ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे भी है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो है वो दो टाइप की है, एक वो जो एंग्लो सैक्सन ओरल ट्रेडिशन में लेकर आए थे जिसे सिर्फ बोली जाती थी, और दूसरा जो जब लिखने की कला डेवलप हुई, सिस्टम डेवलप हुई, तो उस वक्त वो मैन्युस्क्रिप्ट में लिख दिया गया, जिसमें बेवुल्फ, जूनियस, एक्सीटर और वर्सली बुक है। और ओल्ड इंग्लिश का जो गोल्डन पीरियड है वो किंग एल्फर्ड का वक्त है, जो एक सोल्जर, एक रूलर भी था। जब यह किंग बना तो इसने जो है बहुत से लैटिन सर्विस बुक और लैटिन लिटरेचर या क्रिश्चियन वर्क को जो है इसने ट्रांसलेट भी किया, और ये जो है लैटिन से वेस्ट सेक्शन में ट्रांसलेट किया, और इसने स्कॉलर और टीचर को भी बुलवाया और काफ़ी ट्रांसलेट हुई। और इसके अलावा बीट्स की जो हिस्ट्री है ये भी एल्फ्रेड के द्वारा ही ट्रांसलेट किया गया, और इसकी सबसे पहली जो इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश में जो प्रोज है इंग्लिश में, क्योंकि लैटिन वो सारे जो डायलेक्ट में थे, सॉरी वो जितने भी थे वो लैटिन इनटू वेस्ट सेक्शन में वो ट्रांसलेट किए गए थे, और ये जो है ओके पहला जो इंग्लिश में था वो एंग्लो सैक्सन क्रोनिकल था। क्रोनिकल यानी घटना, किसी चीज को बताना, ये था, और ये प्रोज वर्क था। 1066 में ओल्ड इंग्लिश का जो है वो एंड हो गया, क्योंकि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आए और उसके बाद फ्रेंच जो है वो कोर्ट की लैंग्वेज हुई, जस्टिस, गवर्नेंस और एजुकेशन की लैंग्वेज हुई, और नॉर्मन्स जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे इंग्लिश के डेवलपमेंट पे, और एलिट लोग फ्रेंच ही बोलते थे यानी उच्च लोग, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों के द्वारा जो है वो ओल्ड इंग्लिश ही बोली जाती थी। धीरे धीरे जब क्लोज इंटरेक्शन हुआ और इंटर मैरिजेस शुरू होने शुरू हुए तो फ्रेंच का जगह इंग्लिश लेने लगा, और पहले घर में लिया, फिर धीरे 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 ऑफिस और स्कूल में, और बच्चे भी घर पे, जो बड़े बड़े बच्चे थे वो घर पे मदर टंग में ओल्ड इंग्लिश इस्तेमाल करते थे, लेकिन स्कूल में जो है वो फ्रेंच पढ़ते थे, और इस तरह जो है इंग्लिश सर्वाइव की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।